हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि हम लोग पाइप बलून से फ्लावर कैसे बनाएं। इन फ्लावर्स को बनाना बहुत ही आसान है और यदि आप इनसे डेकोरेशन करेंगे तो आपका डेकोरेशन रहेगा एकदम प्रोफेशनल। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि बलून और क्राफ्ट के वीडियो सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। यहाँ पर है बहुत सारे मेरे पास पाइप बलून्स, मैं कोई भी एक कलर चूज कर लेता हूँ। मैं कर लेता हूँ रेड कलर। इसका हम बनाते हैं फ्लावर, इसको हम रखते हैं साइड में। जल्दी से मैं इसको फुला लेता हूँ। जब भी आप पाइप बलून फुलाएं, एक बात का ये ध्यान रखें कि ये वाला जो डिस्टेंस है चार उंगली का होना चाहिए। ये देखिए, मैं थोड़ी हवा निकाल रहा हूँ और ये मैंने डिस्टेंस कर लिया है चार उंगली का। रीज़न ये है कि जब भी आप फ्लावर बनाएंगे तो आपको मोड़ने के लिए स्पेस चाहिए और जो हवा है वो यहाँ पे एडजस्ट होगी। फ्लावर बनाने के लिए जो डिस्टेंस है वो अगेन आप चार उंगली लेंगे, यहाँ पे नापेंगे और यहाँ से इसको फोल्ड कर दीजिए लाइक दिस, और यहाँ पे हम इसको ऐसे घुमा देंगे। ये वाला जो पोर्शन है इसको आप अंदर फिट कर दीजिए ताकि फिर ये निकलेगा। नेक्स्ट अगेन के लिए फिर हम चार उंगली लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे। ये मैंने मोड़ दिया। अगेन फिर चार उंगली का लेंगे और इसको मोड़ देंगे। इसके बाद मैं एक और चार उंगली ले रहा हूँ और इसको यहाँ पे फिर मैंने साइज करके इसको मोड़ दिया। इसके बाद आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। ये आपका एक फ्लावर बन के रेडी है। चलिए बनाते हैं एक और। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसान है पाइप बलून से फ्लावर को बनाना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, वहां से भी आप इन पाइप बलून्स को खरीद सकते हैं और अपने हिसाब से कुछ भी डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं। और हाँ, यदि आपको पाइप बलून से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट या फिर मेल कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।